नमस्कार दोस्तों, मैं ही प्रदीप दुबे। दोस्तों आपने मेरे काफी सारे वीडियो में देखा होगा, मैंने कहा क्रेडिट कार्ड के लिए सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। यहाँ पे 72 सेकेंड के अंदर अमेजोन पे आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो गया। सामने वाले ने मेरी बातों का पालन किया था, बार बार कार्ड डिक्लाइन हुआ था, बट उन्होंने वेट किया सही टाइम का और अप्लाई किया। मात्र 72 सेकंड में कैसे कार्ड अप्रूव हो गया, चलिए इस वीडियो में आपको हम सब कुछ डिटेल्स में बताने वाले हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। तो यहाँ पे अमेजोन पे क्रेडिट कार्ड आप जैसे अप्लाई करोगे, अप्लाई करते ही बहुत कम चांस में आपका अप्रूव होगा, और डिक्लाइन हो गया तो 6 मंथ का आपको टाइमिंग दिया जाएगा, उसके पहले आप कहीं से अप्लाई नहीं कर सकते हो। यहाँ पे सवाल ए है, काफी लोगों का अगर ये वाला कार्ड डिक्लाइन होता है तो यहाँ वहां इस इधर उधर उस बैंक को कार्ड अप्लाई करना चालू करते हैं, और जब 6 मंथ का पीरियड खत्म होता है तो फिर से इस कार्ड के लिए ट्राई करते हैं, फिर से डिक्लाइन होता है। ऐसा होता क्यों है? तो सो मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा चीज होता है सब्र करना। मतलब कि आपका एक बार अगर कार्ड डिक्लाइन हुआ तो आप जो भी अपना डिटेल्स फिल करते हैं, जो बैंकों का सिस्टम होता है, सारी डिटेल्स को वो वहां पे अपने पास सेफ रखता है, वो कभी रिसेट नहीं होता है। बैंकों के पास सिस्टम सारा रखता है। आप 6 मंथ के बाद या आपने 5 मंथ के बाद या 1 मंथ के बाद फिर से अप्लाई किया तो सिस्टम जो डिटेल्स आपने फिल किया उसमें कोई गलती लगी, दोबारा आपने अप्लाई किया, सिस्टम ने उसको मैच किया और तुरंत ही फिर से आपका रिजेक्ट कर दिया। ये होता है अमेजोन पे क्रेडिट कार्ड में ऐसा प्रॉब्लम। अब यहाँ पे अगर डिक्लाइन हो गया, अगर आप प्रॉपर आप 6 महीने साल भर अगर आप वेट करते हो तो जो आपका आपने जो इंफॉर्मेशन फिल की थी वो सिस्टम से एक टाइमिंग लगता है, ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता है। अब इसके बाद अब जब दोबारा आप प्रोसेस करते हो तो आपका एक न्यू एप्लीकेशन सबमिट होता है और साथ में आपके सिविल को भी ट्रैक किया जाता है। सिस्टम ने पहले सिविल को ट्रैक किया था, कुछ और था, अब ट्रैक कर रहा है कुछ और है, तो कुछ गलतियां नहीं मिली और तुरंत ही सिस्टम नोटिफाई करेगा कि इस एप्लीकेशन को अप्रूव किया जाए, अप्रूव हो जाएगा। इसके बाद जब अप्रूव हो जाएगा, बैंक उसको एक बार मैनुअल रिव्यू करेगा कार्ड को डिस्पैच करने से पहले। अब इसके बाद आपके पास कार्ड डिस्पैच कर दिया जाएगा, ये होता है सिस्टम ने जनरेट क्रेडिट कार्ड का पूरा प्रॉपर नियम। बट यहां पे सो गलती आपके तरफ से ए होती है, कभी आप सब्र नहीं करते हो। मतलब कि आप इस कार्ड को लेने के लिए नए-नए नंबर से ट्राई करोगे, ऐसा नहीं कभी-कभी लग जाता है कोई नया नंबर लगा दिया आपने, डाल दिया, ओटीपी सबमिट किया, हो गया, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि एक कार्ड बहुत लकी कार्ड है। एक लोगों ने मुझसे कमेंट पूछा था कि और बैंकों वाले कार्ड लाइफ टाइम फ्री होते हैं, ऐसी इसमें क्या खास बात है? देखो ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड इसको जिसके पास है वो इस कार्ड को अगर पा लिया है तो काफी हैप्पी रहेगा, लाइफ टाइम तो फ्री है। बाकी फीचर्स, नियम, रूल्स काफी बढ़िया है, लोन के ऑफर सब कुछ आते हैं। तो मैं इतना ही आपसे इस वीडियो के माध्यम से आप तक एक संदेशा कहना चाहूंगा। भले से आप मेरे वीडियो को बोले कि भाई आप बता चुके हैं या दोबारा कहना चाहते हैं, आप सिर्फ अपने नियम का पालन करें, सब्र करें, वेट करें, सिविल को खराब ना करें। देखो फाइनेंशियल सिस्टम में लोन हो, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे बाइक लोन, चाहे कार लोन हो, सबसे मेन पॉइंट आपका सिविल है और ये चीजें आपको बचा के चलना चाहिए। जो लोग इस गलती पे ध्यान नहीं देते हैं वो अपना बहुत कुछ लॉस कर जाते हैं, और यही वजह है कि इन्होंने मेरी बातों का पालन किया, कार्ड इनका अप्रूव हो गया, काफी हैप्पी हैं। तो भाई आप भी सोचो कि 5 मिनट में, 2 मिनट में, 1 मिनट में कार्ड अप्रूव हुआ है, मैंने वीडियो बनाया है, इनका 72 सेकेंड लगा है अप्रूवल मिलने में, बाकी मैसेज आने में और काम आने में थोड़ा आगे पीछे टाइम लगा है, बाकी अप्रूव तो हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने अपने सिविल को मेंटेनेंस किया, वेट किया, सब्र किया, कार्ड मिल गया। तो आप भी वेट करो, आपको अमेजोन पे क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, बट आपने सिविल पे थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां से वहां से इंक्वायरी मत कीजिए, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ज्यादा मत कीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।